हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक फादर। और मैं आज आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए MIUI 10 का बीटा वर्जन, ग्लोबल बीटा वर्जन रोल आउट हो चुका है। एंड वो बीटा वर्जन का लिंक भी मुझे मिल चुका है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मिल चुका है, और क्या क्या चेंज हुआ है वो भी मुझे मिल चुका है। अगर आपको चाहिए वो सब कुछ, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आ चुका है रेडमी नोट 5 प्रो का न्यू अपडेट MIUI 10 का। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ रेडमी नोट 5 प्रो का बीटा अपडेट, जो कि है 8.6.14, जो रिलीज़ हो चुका है आज 11 घंटे पहले रिलीज़ हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अपडेट रिलीज फॉर, ये अपडेट जो रिलीज़ हुआ है वो सिर्फ MI Mix 2, MI 6, MI S2, MI Mix 2S, रेडमी नोट 5 प्रो एंड रेडमी नोट 5 के लिए रिलीज हुआ है। और इस अपडेट में जो पहला चेंज लॉग है, जो कि हाईलाइट करके दिखाया गया है, वो है MIUI 10 का हाईलाइटर है, देख सकते हैं MIUI ब्राउज़र है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राउज़र को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, PA पावर को सपोर्ट कर दिया गया है, और बैटरी सर्च लाइफ को भी बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि MIUI 9 में जो सर्च बार था वो अगर हम सर्च में उठाते थे वो गायब हो जा रहा था, तो कभी कभी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको ठीक कर दिया गया है। अभी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप लिखेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। और सेकेंड जो किया है ऐप वोल्ट में न्यू वर्ल्ड कप को ऐड कर दिया है, लेकिन मुझे फिर ये समझ में नहीं आई वर्ल्ड कप कार्ड ऐप वोल्ट में वर्ल्ड कप कार्ड को ऐड कर दिया है। तो 10 में अगर वर्ल्ड कप कार्ड को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास जो 9 है, तो 9 में भी हमारे पास ऐप वर्ल्ड फुटबॉल का देखिए कुछ कार्निवल है ऐड टीम, उसमें हम ऐड टीम कर सकते हैं। यहाँ पे फीफा का फुटबॉल का टीम भी है, शायद हम सिलेक्ट कर दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा दिखा दे रहा है। तो ये क्यों क्या किया मुझको समझ में नहीं आया कि 9 में तो ही हमको मिल जा रहा है, तो वो लोग 10 में क्या कर दिए। और ये कुछ फेक नहीं है फ्रेंड, आप देख सकते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटर मर्सिल MIUI मिक्स चिल क्या कुछ नाम है इनका, एडमिनिस्ट्रेटर है जो उन्होंने किया है इसको। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और एक बात पहले मैं आपको दिखा दूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो मेरे पास लिंक है, आप सिंपली सिर्फ रेडमी नोट 5 के फ़ोन पर ही किसी या फिर रेडमी के इमेज वॉलर में जा सकते। जाने के बाद आपको सिंपली काम करना होगा, सर्च बार में जाने के लिए आपको टेस्ट कर देना होगा, और सिंपली आप जब टेस्ट करने को देखेंगे तब यहाँ पे सामने आप देखेंगे 1.6 GB का एक MIUI नोट 5 प्रो ग्लोबल 8.6.14 का एक सिप फाइल आ जाएगा, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 8.1.2 है। देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक, तो आपको सिंपली गूगल पर डाउनलोड कर लेना है। अभी जो मेन बात है फ्रेंड्स, जो मुझे पता चला है, तो ये जो अपडेट आया है हम लोग के पास ये रोल आउट वर्जन है, आप देख सकते हैं बीटा रोल आउट वर्जन है, हमारे फ़ोन में सपोर्ट है इसको। आप इन्होंने बताया कि इसको आपको डाउनलोड करके अगर सिस्टम अपडेट में अपडेटर के थ्रू अपडेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। पहले मैं आपको बता दूँ अपडेटर के थ्रू कैसे अपडेट करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, उसके बाद चूज अपडेट करके, उसके बाद अगर आप इंटरनल में रखो इंटरनल में, या फिर जहाँ पे रखो वैसे आपको करके सिलेक्ट करके ओके दबाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन का अपडेट हो जाएगा। और अगर जिसको ये नहीं होता है उसको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, तो मेरी ये मानना है आप बूट लोडर अनलॉक मत कीजिए, कुछ दिन और वेट कीजिए, अगर कुछ और आए तो मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ आप लोग अपडेटर से ही ऐप को
जो MIUI 10 का अपडेट है वही अपडेट कीजिए, और दूसरे किसी से भी अपडेट मत कीजिए। ये आपकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेट करके थ्री और लोग अपडेट कीजिएगा, वो प्रोडक्ट अनलॉक नहीं कीजिएगा, वो अच्छा नहीं होता हमारे फ़ोन के लिए। तो आज आप अगर आपके पास नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं, भेजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं, देखने के लिए अपडेट होता है कि नहीं। अगर अपडेट हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि यार अपडेट हो गया है, तो सबको हेल्प हो जाएगी। और मैं भी करूँगा, मुझे अगर हो जाए तो मैं सबको बता दूँगा, और मैं भी फ्रेंड इस चीज़ को अपडेट करने वाला हूँ। अगर मुझको हो जाए मैं फिर एक वीडियो डालूँगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरा सब्सक्राइब बटन जो है सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब के लिए दबा सकते हैं, उसका सब्सक्राइब आता है यहाँ पे, आप उसका सब्सक्राइब के लिए दबा दें तो आपको भी मिल जाएगी तुरंत वीडियो। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं ऑलवेज आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।